आज मेरा होटल रूम है ये। वेलकम टू मिजोरम। सिलचर की टिकट 25 रुपीज़ की थी, मेरे पास खुले 20 रुपीज़ थे और 500 का नोट था। उन्होंने 500 का नोट नहीं लिया। दिस गुड मैन ओवर हियर गिव मी 5 bucks सो दैट आई कुड गेट द टिकट। और टिकट सिर्फ 800 है, इसमें मैं टुटा कहाँ से कराता। थैंक यू सो मच सर। आप कोई बात नहीं। सिलचर से फाइनली मैं बागा पहुंच चुका हूं। मिजोरम जाने के लिए मुझे यहां से एक और गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, एक और स्टॉप लेना पड़ेगा और फिर होपफुली मैं मिजोरम पहुंच जाऊंगा। रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग लोग मिले जिनके पास कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं बताने के लिए। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम दिलवर सिंह बरवैया है। कुछ बताओ यार बागा के बारे में, आसाम के बारे में। देखिए आसाम जो है वो चाय के लिए मशहूर है, चाय पत्ती के लिए जाना जाता है इंडिया में पूरा। और बागा जो है वो तो बहुत बड़ा, हम समझते हैं वो बहुत बड़ा एक शहर लगता है हमारे लिए, क्योंकि हम गांव का लोग है इसीलिए। वेलकम टू बागा। मिजोरम एंटर करने के लिए पॉसिबली मेरे को एक इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। तो रास्ते में हमने एक टैक्सी रोकी थी, सुमो रोकी थी, उन्होंने भी यही बोला कि अगर आपके पास इनर लाइन परमिट नहीं है तो आप शायद नहीं जा पाएंगे। तो जाहुल भाई के साथ मैं अभी इस बॉर्डर पर आ गया, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से ये आगे नहीं जा सकते। मुझे या तो कोई मिजोरम की गाड़ी लेके आनी पड़ेगी या फिर यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। फिर आगे बॉर्डर में गेट है, गेट में परमिट बनाना पड़ता है, आईटी पास बनाना पड़ सकता है, पता नहीं हो पुलिस वाले के पास जाने के बाद। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि पास मिलता है कि नहीं मिलता और लेने की जरूरत भी है कि नहीं है। जाहुल भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू, रियली नाइस गाय, थैंक यू। गेटिंग इन टू मिजोरम इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। सबसे पहले आपको एक इनर लाइन परमिट चाहिए होगा, जिसके लिए आपको एक फोटो, एक आइडेंटिटी कार्ड लाइक वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक स्पॉन्सर चाहिए आपको, मतलब आपको मिजोरम में कोई ना कोई जानता हो। इनर लाइन परमिट फिलहाल मेरा बन चुका है, उन्होंने एज अ टूरिस्ट डाल के दे अलाउड मी टू गेट इन 130 रुपीज़ फॉर द परमिट एंड नाउ आई कैन फाइनली गेट इन टू मिजोरम। फाइनली 12:57 में आइजोल पहुँच गया हूँ। मिजोरम में एंट्री हो गई है बट इट्स टू लेट एंड इट्स सो लेट कि मैं अगर होटल्स को कॉल कर रहा हूँ और अगर वो उठाते हैं तो वो कहते हैं कि रूम नहीं है हमारे पास। सो फार आई हैव कॉल्ड 2 होटल्स और बजट फ्रेंडली होटल तो उस टाइम पे मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। टुडे माय फ्रेंड्स इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडवेंचर। अब मुझे कहीं रहने की जगह तो मिलने नहीं वाली है, तो कोई सेफ सा स्पॉट ढूंढ के मैं रात बिताने वाला हूँ। कहीं बैठ जाऊँगा, शॉल है मेरे पास उसे लपेट लूँगा क्योंकि ठंड तो यहाँ पे है थोड़ी बहुत। एंड होप फॉर द बेस्ट दैट अर्ली मॉर्निंग आई कैन वेक अप एंड फाइंड अ प्लेस। दिस इज द एडवेंचर दैट आई साइंड अप फॉर, इसी में तो मजा है। स्पॉट नंबर 1, दिस लुक्स लाइक अ बस स्टॉप टू मी। और जो दूसरा स्पॉट है वो बस स्टॉप के ऑपोजिट है, वहाँ पर वो ज़्यादा कोजी लग रहा है क्योंकि यहाँ से एक तरफ से तो हवा आएगी और ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है। आई थिंक दैट प्लेस विल बी बेटर। जीन्स पहन ली है, जैकेट भी पहन ली और एक शॉल भी है मेरे पास। आई एम सेटल्ड इन, आई डोंट हैव अ ब्लैंकेट, आई डोंट हैव अ कंफर्टेबल बेड, बट आई हैव द वार्मथ ऑफ द सिटी विच इज़ गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर बाय एवरी पासिंग मिनट। मैंने एक्चुअली प्लान नहीं किया था आइजवाल आने का, आई वॉज सपोज टू गो टू अ प्लेस कॉल्ड कोलासिब, क्योंकि वो परमिट का चक्कर पड़ गया तो वहाँ से एवरीथिंग वॉज, ऑल माई प्लान्स वेंट आउट ऑफ द विंडो। देन आई हैड टू वेट फॉर अ कार और जो कार आई वो आइजवाल जा रही थी, आई हैड टू पे 400 anyway, even if I wanted to get off at Kolasib,
And I couldn't find any hotels online in Kolasib, so I decided to come to Aizawl because यहाँ पे मेरे को hotels दिख रहे थे. But मैंने ये नहीं देखा था कि हम यहाँ पे 12 एक बजे पहुँचेंगे और 12 एक बजे hotels मिलने का chance. ये भी अच्छा hotel है मेरे हिसाब से. थोड़ी amenities कम है मगर budget friendly है और view कितना अच्छा है और AC कमाल. वाह, कहाँ है कपूर? मिजोरम की सड़कों पे. गुड मॉर्निंग फोक्स, 3:30 के करीब शायद मेरी नींद फाइनली लग गई. 5:40 इन द मॉर्निंग समवन comes up and taps me on my shoulder and I immediately wake up. Yo, kya ho gaya? He was just asking me ki aapko kisi cheez ki zarurat to nahi hai, aap theek to hain, everything all right, kahan se ho? Pretty nice actually, good way to start the day. Acche log hamesha har jagah mil jate hain, but in hindsight dekha jaye to meri neend toot gayi, main bahut mushkil se soya tha. But now that I'm finally out and about looking for an accommodation, the sooner I find it, the better, so that I can keep my stuff, take a bath, change my clothes, all of that, you know, the routinely stuff. अभी तक मैंने जितने भी rooms देखे हैं, the minimum that I've got is ₹900 for a single occupancy room. So I'm here at another new place. नेक्स्ट प्लेस बेबी, एक और जगह चेकआउट करने जा रहा हूँ मैं. लास्ट अकोमोडेशन के लिए जहाँ मैं ढूंढने गया था वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी लीड मिली है, एक टिप मिली है बहुत ज़्यादा. उन्होंने बताया कि यहाँ मेन मार्केट से जहाँ से टैक्सीज मिलती हैं, अगर आप वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे तो आपको और सस्ते होटल्स भी मिल जाएंगे, समथिंग एज लो एज 250-300. वाओ, सो आई हैव टू गो एंड चेक इट आउट. इस चर्च की साइड वॉक पर मैं साथ में सोया था. 5:30 आई वॉज वोकन अप बाय अ गुड मैन गोइंग ऑन हिज डेली वॉक एंड दैट गेव मी सम इंस्पिरेशन. क्यों ना हम भी सुबह सुबह उठ के एक सैर पे जाएं और एक्सप्लोर करें Aizawl को थोड़ा. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग. 5:39 इन द मॉर्निंग एंड आई एम आउट एंड अबाउट. एक्चुअली दिस इज द बेस्ट टाइम टू सी द सिटी बिकॉज यहाँ पर सब कुछ जल्दी खुल जाता है और जल्दी बंद भी हो जाता है. अगर मेरे पास रनिंग शूज़ होते तो मैं रनिंग करने निकलता, बट फिलहाल जो मेरे पास शूज़ हैं वो सिर्फ ट्रैकिंग शूज़ हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत भारी हैं. मैंने बहुत, मेरे को लगता है मैंने एक महीने से वो जूते नहीं पहने. आई नीड टू फाइंड वे टू सेंड देम होम एंड सम हाउ गेट अ पेयर ऑफ रनिंग शूज़ ताकि मैं सुबह सुबह उठ के भागने जा सकूँ और जल्दी ज़्यादा ग्राउंड क्लियर कर सकूँ. दैट वुड बी द लॉजिकल थिंग टू डू, राइट? Now sleeping on the streets was actually a very exciting experience for me क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा नहीं किया था, तो बहुत interesting affair था ये. और मुझे कुछ realizations हुई, वो realizations मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ. जो सबसे पहली रियलाइजेशन मुझे हुई वो ये है कि अगर आपके पास, अगर हमारे पास घर है, एक छत है अपना सर ढकने के लिए, एक बेड है रात को सोने के लिए, देन वी आर एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड. क्योंकि मैंने सफ़र पे इतने लोग देखे हैं सड़कों पे सोते हुए, यहाँ मिज़ोरम में Aizawl में नहीं देखे, मगर थ्रू आउट द कंट्री देर आर पीपल हु डोंट हैव अ वेरी बेसिक नेसेसिटी जो है रहने की जगह. ज
जब से मैं नॉर्थ ईस्ट आया हूँ तब से मैंने एप्रिला की स्कूटी बहुत सारी देखी है और मुझे लगता है कि बेस्ट लुकिंग स्कूटी यही है। अगर मुझे स्कूटी लेनी होती तो मैं एप्रिला की स्कूटी लेता। परफॉर्मेंस 150 सीसी इंजन और क्या दिखती है यार, सो कूल। बट एनीवे, बैक टू द पॉइंट। आई वॉज वेयरिंग शॉर्ट्स एंड हाफ स्लीव्ड टी शर्ट और जब मैं सोने लगा तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सो आई हैड टू टेक आउट ऑल ऑफ माई क्लोथ्स, माई जीन्स एंड माई जैकेट एंड देन आई वेंट टू स्लीप। आई इवन हैड अ शॉल जो मैंने एक ब्लैंकेट की तरह ओढ़ लिया, बट फिर भी मुझे लगा कि यार ये तो आसान नहीं है, ठंड तो मुझे अभी भी लग रही है, सो आई हैड टू पुट ऑन माई सॉक्स एज वेल। नाउ द होमलेस डोंट हैव ऑल दोज थिंग्स। सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट तब होता था जब ठंडी हवा के झोंके आते थे और जो मेरा ब्लैंकेट था, जो मेरी शॉल थी, वो इतनी बड़ी नहीं थी कि वो दोनों तरफ से मुझे कवर कर सके, ऊपर से नीचे कवर कर रही थी मगर साइड्स पे जगह रह जाती थी जहाँ से हवा आती थी और फिर वो हवा अंदर घुसती थी और वो ठंड जो लगती थी ना मुझे, तब मुझे रियलाइज़ होता था कितना मुश्किल है सड़कों पर जीना। फर्स्ट ऑफ ऑल, रात को टॉयलेट्स बंद हो जाते हैं। इस सिचुएशन में रात को इंसान क्या करेगा? लकीली मुझे उस सिचुएशन से जब नहीं जाना पड़ा, बट लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स बीइंग होमलेस इज नॉट एन ईजी टास्क। आई फॉरगॉट कि आज संडे है, इसीलिए सारी दुकानें बंद रहेंगी। एनीवे, 7:30 एंड आई एम बैक टू वेयर आई एम स्टेइंग। This is the stairway that leads all the way up to my room, to the hotel, to the room. What can you do to help people who are homeless? ये I think ज़्यादा सर्दियों में apply करेगा। अगर आप देखते हैं किसी को सोते हुए और उसके पास कंबल नहीं है या ब्लैंकेट नहीं है तो आप उसे एक ब्लैंकेट दे सकते हैं। एक ब्लैंकेट 200 रुपये का आता है, बट वो जो आप एक कंबल दे देंगे ना, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, immense amount of help हो जाएगी। They can sleep comfortably. नहीं तो सर्दी में ठंडी ठंडी हवाओं से जूझना इज टॉर्चर, लिटरली टॉर्चर। इस एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही। आई एम गोना सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा, आपको ये जर्नी अच्छी लग रही है, तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। आई एम गोना सी यू सून। टेक केयर, गुड बाय।